हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन न केवल इंडिया के डिफेंस को मजबूत करने के लिए नए नए आविष्कार करते रहता है, बल्कि साथ ही वो इंडिया के एम्बिशियस मिशन आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। और एक बार फिर से DRDO ने आत्मनिर्भर भारत को नई ऊंचाई देने के लिए और देश के मेक इन इंडिया के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन स्पेस के हल मॉडल को लॉन्च किया है। इस मॉडल को DRDO ने नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, जो कि कोची में लोकेटेड है, वहाँ लॉन्च किया है। अगर हम सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन की बात करें, तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग और इवेल्युएशन फैसिलिटी है, जिससे इंडियन नेवी ने अपने सोनार सिस्टम के लिए डेवलप किया है। और ये कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि शिप, सबमरीन और हेलीकॉप्टर पर यूज किया जाएगा। वही स्पेस फैसिलिटी को NPOL यानी कि नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी के कॉन्सेप्ट, डिजाइन और दूसरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वही INT शिव बिल्डिंग ने इस फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया है। इसी के साथ अगर हम इस स्पेस फैसिलिटी के यूटिलाइजेशन की बात करें, तो इसे सोनार सिस्टम पर लगाया जाएगा, जो कई साइंटिफिक पैकेजेस जैसे सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स के क्विक डिप्लॉयमेंट में और इजी रिकवरी के लिए बहुत मदद करेगा। इस स्पेस फैसिलिटी की सबसे खास बात ये है कि ये दुनिया की इकलौती स्पेस फैसिलिटी है, और उसकी सबसे यूनिक बात ये है कि ये सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म की तरह डिजाइन किया गया है, जिसकी मदद से ये 100 मीटर डीप में भी ऑपरेट कर सकता है। साथ ही स्पेस फैसिलिटी के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग और वेसल क्लासिफाइड अथॉरिटी की सभी स्टैट्यूटरी नीड्स को पूरा करती है। साथ ही केरला इनलैंड वेसल रूल के इंस्पेक्शन और रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया में भी पूरी तरह से फिट हो जाती है। और अगर हम इस हल माउंटेड सोनार सिस्टम की बात करें, तो एक मेन अंडरवाटर सेंसर होता है, जो कई नेवल प्लेटफॉर्म पर यूज किया जाता है। और इसका सबसे जरूरी काम ये होता है कि वो सबमरीन, अंडरवाटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्राइवर डिलीवरी व्हीकल और माइंस जैसे खतरे को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सके। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात ये है कि NPOL के पास अपना खुद का एक मरीन अकूस्टिक रिसर्च वेसल है, जिसका नाम है INS सागरवर्धिनी, जिसे इंडिजिनियसली गार्डन रीच एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पर बनाया गया था। और इस वेसल को अभी इंडियन नेवी मेंटेन और रन करती है, जो कि साउथर्न नेवल कमांड कोची में डिप्लॉय किया गया है। और इसका मेन काम है अंडर वाटर और शैलो वाटर पर कई सारे अंडर वाटर ओशन इन्वायरमेंटल और अकूस्टिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।